लोग आए हैं, केपी से लोग नहीं आए। जो दावे किए जा रहे थे ना, केपी वाले तो सारे के सारे लीडर वड़ गए, मतलब वो जो बड़गे वाले हैं शेर अफजल मरवत, उनको तो कोरोना हो गया। शिबली फराज आए नहीं है, असद कैसर बरतानिया चले गए। जो पुलिस है उसने जो रिपोर्ट बताई है या जो बनाई है वो है 10 से 15 हज़ार, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने 12 से 13 हज़ार। फैक्चुअली वहाँ पे 30 हज़ार लोग थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ जो इसमें नज़र आई है वो ये है कि पब्लिक आई है, लीडर वड़ गए। पंजाब और लाहौर की जो लीडरशिप है उन्होंने जिस तरह से कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किया और बड़ी ही पैथेटिक उनकी कारकर्दगी रही कि पहले नंबर पे तो आपने 3 से 6 का टाइम क्यों माना आपने? आपको पता है कि इसके बावजूद जलसा नहीं होना, आप उसी वक्त ऐलान कर दें कि जी इंतजामिया हमें जलसे नहीं करने दे रही। फायज ईसा ने एक 9 सवाल 8 जजेस को भेजे, ये कुछ छोटे सवाल ही हैं, तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने 8 जजेस को कह रहे हैं कि आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। जजेस बयान जारी नहीं करते, जजेस फैसले देते। इनको तो फैसला देना चाहिए था जो उनका पेंडिंग है अभी तक, और इन्होंने जनाब ये किया कि एक बयान जारी कर दिया कि ये जो 8 सवाल आते हैं इसके नतीजे में बहुत कुछ सामने आएगा। कहते हैं, हमें नहीं पता वैसे, कि ये अजलास तो किसी घर में हुआ था और उसमें जो मुतालबात किए गए थे कि जनाब एक ऐसा फैसला दिया जाए कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन के सवालात हों या पीटीआई के सवालात हों उस फैसले के हवाले से आपने जजेस कमेटी में पेश नहीं किए, इसका मतलब आप जजेस कमेटी को तो खुद नहीं मान रहे थे, तो जजेस कमेटी को ख़त्म ही हो जाना चाहिए था। नाज़रीन, आज सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल जो हर एक के जहन में है वो है आज का लाहौर का जलसा, जलसा हुआ है कि नहीं हुआ, जलसा नाकाम हुआ है कामयाब हुआ है, और इंतज़ामिया की क्या हिकमत अमली रही है, उन्होंने किस तरह हैंडल किया है इसको, गंडापुर कितने कामयाब कितने नामुराद। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जजेस कमेटी वाला, इसके पीछे गेम क्या है, 8 जजेस का अजलास हुआ कहाँ था जिन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। तो सबसे पहले हम जलसे पे आते हैं। देखें, मेरी राय है, किसी को उससे इत्तफाक हो या ना हो, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ और अपने तई ये दावा करता हूँ कि ईमानदारी से करता हूँ, जलसा हो गया, यस जलसा हो गया। देखें, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने सारा दिन आज मीडिया पे कब्ज़ा रखा और मीडिया का गला भी दबा के रखा गया, यहाँ अंगूठा, कुछ नहीं चलाना, कुछ नहीं दिखाना, खबरदार अगर किसी ने कुछ दिखाया और चलाया तो, और दिखाना और चलाना वही है जो पंजाब हुकूमत चाहेगी, जो इंतज़ामिया चाहेगी। तो इंतज़ामिया ने जो पिक्चर पेश की, मतलब वो सेफ सिटी कैमराज की वो फुटेज के जनाब सारे रास्ते खुले हुए हैं, वज़ीर इत्तला'आत साहबा भी निकली गाड़ी में, कहीं उनकी फुटेज भी थोड़ी सी जारी हुई कि वो चलती जा रही हैं और मुख्तलिफ रास्ते देख रही हैं। ये वैसे काम तो नहीं है वज़ीर इत्तला'आत का, ये तो जो लॉ एंड आर्डर से मुतल्लिक कोई वज़ीर है या नहीं है उसका काम है कि वो देखे या ना देखे, या फिर ये है कि आईजी देखे, कोई कमिश्नर हो, कोई डिप्टी कमिश्नर हो। चलो खैर, उन्होंने किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें वो फुटेज दिखाई कि देखें जी रास्ते सारे खुले हुए हैं, हमने तो कोई रुकावट ही नहीं डाली। ये एक नज़र का धोखा है, सबको पता है कि ऐसी फुटेज कब तैयार की जाती हैं और फिर दिखा के अपनी कार्रवाई बना के कार्रवाई डाल के, तो उसके बाद फिर वही आर्डर होता है। शाम 5 बजे का वायरलेस, पुलिस वायरलेस का मैसेज मेरे पास है, अगर किसी ने देखना है तो मेरे पास मौजूद है, जिसमें कहा गया कि तमाम एंट्रीज बंद कर दी जाएं। अब ये और बात है, आप कोई और एतराज़ करेगा कि देखें जलसे का टाइम तो 3 बजे था, 5 बजे हुआ तो फिर क्या हुआ। देखिए, हमारी हमें पता है कि ये 3 बजे का टाइम जो है
ये कुछ टाइम है जलसे का? जिस तरह से हमारी रवायत है जलसे करने की, तो वो तो हमेशा शाम के टाइम शुरू होते हैं, तो ये तो जानबूझ के किया गया ना, और जानबूझ के दोनों तरफ से है। मैं उस पर भी आऊँगा आगे जाके, ये सिर्फ इंतज़ामिया नहीं है इसमें शामिल। तो 5 बजे से पहले भी रास्ते बंद थे, यानी कि मोटरवे हमें पता है कब खुली कब बंद हुई, एक दफ़ा खोल दी फिर कुछ 4 घंटों के लिए बंद कर दी, फिर गंडापुर आया तो खोल, बैरिस्टर गौर आया तो कुछ देर के लिए खोली, उसकी फुटेज जारी की फिर बंद कर दी, उसके बाद गंडापुर आया तो खोल दी फुटेज जारी की फिर बंद कर दी, ये होता रहा है सारा दिन। और जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनके मुकम्मल बंद होने का मैं बात कर रहा हूँ, वो 5 बजे मुकम्मल बंद हो गए थे, उससे पहले यही होता रहा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लोग आए हैं, केपी से लोग नहीं आए, जो दावे किए जा रहे थे ना केपी वाले, तो सारे के सारे लीडर वड़ गए, मतलब वो जो वड़गे वाले हैं शेर अफजल मरवत, उनको तो कोरोना हो गया, शिबली फराज आए नहीं है, असद कैसर बरतानिया चले गए, कोई और नहीं आया, किसी का नाम ले लें सवाए एक उमर अयूब के, केपी से कौन आया? और ये सीएम गंडापुर आए, सीएम गंडापुर के साथ ठीक है कुछ 100 गाड़ी है, तो 100 गाड़ी में से तो आप 20 तो उनका प्रोटोकॉल ही लगा लें, तो बाकी अगर 80 गाड़ियां वो लेके आए हैं तो 80 गाड़ियों से मुराद कारें हैं, बसें नहीं हैं, कारें या जो भी ये जो बड़ी गाड़ी होती है लैंड क्रूजर वगैरह, एवरेज लोग लगाएं कितने होंगे उनके साथ, 3,000-2,000, तो यही लोग आए हैं वहां से। ठीक है लोग और भी आए होंगे अपने तौर पे, बड़े दीवाने भी हैं मस्ताने भी हैं वो आए होंगे, लेकिन केपी से यही आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मतलब को 5,000 और लगा ले। पंजाब से लोग आए, लाहौर से नहीं आए, देखें ये मैं एक एक बात बता रहा हूँ, जो मानने वाली है वो मानने वाली है, जो नहीं मानने वाली वो नहीं मानने वाली, लाहौर से नहीं निकले, पंजाब से आए हैं, कसूर से लोग आए हैं, शेखपुरा से लोग आए हैं, जनूबी पंजाब से लोग आए हैं, जिस तरह भी आए हैं पहुँचे हैं, जरताज गुल आई है वो लेके आई है, लोग उसके साथ थे ठीक ठाक थे। तो अब जो तादाद की तरफ भी आ जाते हैं, जो पुलिस है उसने जो रिपोर्ट बताई है या जो बनाई है वो है 10 से 15,000, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने 12 से 13,000, और जो हमारे दूसरे अदारे हैं ISI और MI उन्होंने कहा है जी कि मैक्सिमम कोई 10 से 12,000 लोग। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो अदारों की रिपोर्टें हैं सरकारी अदारों की, और फैक्चुअली वहाँ पे 30,000 लोग थे, कम होंगे थोड़े से, 30,000 लोग पहुँच गए, और 30,000 लोग पहुँच जाएं इमरान खान के बगैर, और अगर कोई एक्सपेक्टेशन ये कर रहा था कि वो वाला लाहौर का जलसा होगा, तो वो तो फिर एक और भी फैक्टर था, वो थी एस्टेब्लिशमेंट, वो थी सपोर्ट, तो वो तो थी नहीं, वो तो है ही नहीं, एक अरसे से वापस हो गई हुई है, तो वो तो माइनस है, वो बहुत बड़ा कट है एक तादाद में उसकी वजह से। फैसिलिटेशन होती है, ये को माने या ना माने, अगर आप फैसिलिटेशन के साथ जलसा करते हैं तो आपका जलसा तो मतलब मेहंदी लग रही है, चूड़ियां पहनी जा रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, जनाब गाड़ियों पे पोस्टर लग रहे हैं, आज खाने पक रहे हैं, फलां जगह पे नाश्ता हो रहा है, फलां जगह पे डिनर लंच हो रहा है, और फिर उसके बाद डिनर होगा, और फिर ये कि गाने रिलीज हो रहे हैं, ये सब कुछ चलता था, 2-2 दिन की कवरेज होती थी इन एडवांस, तो वो तो ख़त्म हो चुकी ना, तो वो एक कट वो भी लगा लें आप, बहुत बड़ा कट है। और बाकी इमरान खान बहुत बड़ी यूनिफाइंग फोर्स है, अट्रैक्शन करने वाली सबसे बड़ी जो एक सिंबल है उनका वो तो इमरान खान ही है, तो वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो इसमें नज़र आई है वो ये है कि पब्लिक आई है, लीडर वड़ गए, लीडरशिप कहीं नहीं है, PTI की लीडरशिप ख़त्म हो गई हुई है,
देखें ब्रेस्टर गहोर जो हैं उन पे अभी उनके आने से एक दिन पहले खबर चलवाई गई कि उनको बदला जा रहा है डिसार्ट। उमर अयूब पहले से फारग। हमाद अजहर उस पे अदम एतमाद है वैसे ही, वो आया तो है कहीं निकल के इधर उधर से, लेकिन उसके हाथ में तंजीम ही नहीं है। अब अगर उसको आज गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं और से सपोर्ट भी ले रहे हैं हमाद अजहर साहब, वरना तो पंजाब में रह के कौन गायब रह सकता है। और वो दो दफ़ा तीन दफ़ा अपीयर भी हो चुके हों, बाहर भी आज आए हैं, अभी पकड़ भी लिया जाएगा तो क्या है उसमें, इतनी ढील दिए रखी है तो ये कोई कम बात है। उन पे शकुको शुबहात और कारकुनों के उन पे आएंगे और तंजीम में और बदली फैलेगी। और बाकी आपको मैंने बता दिया, कोई लीडरशिप आई नहीं, सारे के सारे बैठे हुए। जिस तरह से अब मैं आता हूँ कि जलसे की जो टाइमिंग है और सारे मामलात हैं उस पर, जिस तरह से पंजाब और लाहौर की जो लीडरशिप है उन्होंने जिस तरह से कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किया और बड़ी ही पैथेटिक उनकी कारकर्दगी रही कि पहले नंबर पे तो आपने 3 से 6 का टाइम क्यों माना आपने, और फिर ये कि 3 से 6 का टाइम खुद मान के उसको टीवी के आगे सामने खड़े हो गए अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं इतने घंटे मुजाकरात के बावजूद। भाई आपको पता है कि इसके बावजूद जलसा नहीं होना, आप उसी वक्त ऐलान कर दें कि जी इंतजामिया हमें जलसे नहीं करने दे रही, ये रुकावटें हैं। ये करने के बावजूद आपने उनके साथ उनकी शरायत पे जलसा कर रहे हैं, तो उनकी शरायत पे जलसा कैसे हो सकता। और उसके बाद आप जलसे का टाइम ख़त्म होता है तो आप स्टेज पे ऐलान कर देते हैं कि जलसे का टाइम ख़त्म, तो जब इंतज़ामिया ऐलान कर दे यानी कि वो डीजे करे या इंतज़ामिया के साथ बाकी लोग, जिस तरह से वो फैसल जावेद हैं वो स्टेज से उतर गए, ब्रेस्टर गौर स्टेज से उतर गए, तो पब्लिक कहाँ ठहरती है। अभी वो कहेंगे कि यार ये चले गए अब, बस ठीक है अब हम कैसे रोक सकते हैं। पब्लिक तो खड़ी रही बात तक, लेकिन वो जलसा तो ख़त्म हो गया, लाइटें ऑफ, कोई लाइटों का इंतज़ाम ही नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास कि आप उसको करके दिखा सकें। तो शो ऑफ पावर किसे कहते हैं? शो ऑफ पावर ये नहीं होता कि आपको हर चीज़ दे दी जाए फिर आप शो ऑफ पावर करें, पावर तो पावर होती है ना, उसको शो ऑफ करना है। तो अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए उतनी ही हिम्मत हौसला और रेजिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो नहीं है, ख़त्म, जलसा हो गया, अवाम आ गए हैं, उन्होंने हक अदा कर दिया, बाकी ख़त्म सब कुछ। तो ये थी जलसे की आज की आपकी कहानी। और अब मैं आता हूँ कि ये जो जजेस कमेटी में पर एक आर्डिनेंस जारी हुआ है, और उसके बाद जस्टिस फायज ईसा ने एक 9 सवाल 8 जजेस को भेजे। ये कुछ छोटे सवाल नहीं है, तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई चीफ जस्टिस अपने जजेस से उनके बकौल मिसकंडक्ट पर उनसे सवाल उठा रहा है। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने 8 जजेस को कह रहे हैं कि आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। सवाल देख लेना कि आपने ये जो स्टेटमेंट जारी की है, ये बयान जारी किया, मैंने पहले भी कहा था ये एक सियासी बयान था 8 जजेस की तरफ से। जजेस बयान जारी नहीं करते, जजेस फैसले देते। इनको तो फैसला देना चाहिए था जो उनका पेंडिंग है अभी तक, और इन्होंने जनाब ये किया कि एक बयान जारी कर दिया, इलेक्शन कमीशन को एक वार्निंग जारी कर दी, आगे से इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दे दिया, तो फिर तो यही होगा। तो उसने ये सवाल उठाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये कब आपने ये मीटिंग बुलाई, इसको इसका जो इस मीटिंग बुलाने का और ये जो इलेक्शन कमीशन के जो सवालात थे उसको जजेस कमेटी में आप क्यों नहीं लेके आए, जजेस कमेटी में नहीं लाए तो फिर ये फिक्स कैसे हुई, ये किस कमरा अदालत में इसकी समाअत हुई, किसको नोटिस किया गया, नोटिस किए बगैर आप समाअत करके आप किस तरह से कोई स्टेटमेंट या कोई आप फैसला या जो भी आपने वजाहत जारी कैसे कर सकते हैं। ये अदालतों का तरीकाकार तो नहीं होता, ये जजेस का तरीकाकार तो नहीं है, तो ये बड़े वैलिड क्वेश्चन है। आप किसी को मिर्चें लगी हैं तो लगे, और बहुत सों को लगी हैं। अब मैं मिर्चों की तरफ आता हूँ। अब देखें इसमें जजेस कमेटी का जिक्र किया और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जजेस कमेटी तो अब रही नहीं, देखें वो ये हो गया वो हो गया, आर्डिनेंस जारी हो गया और एक साल तक जो है वो असूली मौकफ था, और कहते थे कि जजेस कमेटी होनी चाहिए, एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए। अब उन्होंने अपने होते हुए ही उसमें आर्डिनेंस जारी होने दिया, बल्कि वो तो कहते हैं करवाया और जजेस का जो इख्तियार है वो अपने पास ले लिया। भाई
यही एक मिसाल काफ़ी है उसके लिए। मैं बाकी भी बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सवालात हों या पीटीआई के सवालात हों उस फैसले के हवाले से, आपने जजेस कमेटी में पेश नहीं किए, इसका मतलब आप जजेस कमेटी को तो खुद नहीं मान रहे थे, तो जजेस कमेटी को खत्म ही हो जाना चाहिए था। और फिर ये जो कुछ डॉलर्स के भूखे कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, जो आज से एक साल पहले काजी फायज ईसा की तारीफें करते हुए जिनके मुंह से थूक निकलता था, इतना वो बोलते थे जोर जोर के साथ, आज उन्होंने सोचा कि नहीं यार इससे तो डॉलर नहीं आ रहे। जैसे मैं अगर सोच लूँ कि यार मेरे जो वीलॉग हैं इनका तो कोई बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है, तो मैं वो बयान करना शुरू कर दूँ जिससे डॉलर आए, तो यही फैसला किया उन्होंने। उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं हम डॉलर कमाएंगे। उनकी जो तनकीद है, जो ये कहते हैं कि जस्टिस फायज ईसा और जजेस कमेटी और बेंचेस जो हैं वो कोई भी फैसला करें तो सबसे पहले उन जो सहाफ़ी हैं उनकी खिदमत में पेश होकर उनसे मंजूरी लें, ये हालत है। वो अपने ट्वीट्स के जरिए जिस तरह की वो आग लगाते हैं और जिस तरह की वो हेट फैलाते हैं और बेसलेस, उसकी वजह से ये जजेस कमेटी ख़त्म हुई। ख़त्म तो नहीं हुई, तब्दील हुआ उसमें, आर्डिनेंस इसलिए आया, और जो एक जज साहब का रवैया था उसमें उसकी वजह से हुआ है। और ये एक जज और एक खातून जज, वो तो चीफ जस्टिस फायज ईसा को चीफ जस्टिस ही नहीं मानते थे उन्होंने, ये मतलब ये जो कवर करने वाले जितने साफ़ी हैं पूछे उनसे जाके कि उन्होंने आज तक उससे सलाम नहीं लेते थे, वो अजलासों में नहीं आते थे जो बुलाता था चीफ जस्टिस, और उनको सलाम करना गवारा नहीं करते थे, वो उसको चीफ जस्टिस ही नहीं मानते थे। अताब अदयाल को चीफ जस्टिस मानते थे, इसको चीफ जस्टिस नहीं मानते, मतलब ये रवैया है। और फिर ये कि ये जो 8 सवाल आते हैं इसके नतीजे में बहुत कुछ सामने आएगा, कहते हैं, हमें नहीं पता वैसे, कि ये अजलास तो किसी घर में हुआ था और उसमें जो मुतालबात किए गए थे, जो उसमें प्लानिंग सामने रखी गई थी कि जनाब एक ऐसा फैसला दिया जाए कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए, माजी में जाके बताया जाए कि ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत ये गैर आइनी, ख़त्म गवर्नमेंट, ख़त्म इलेक्शन कराएं या मैंडेट उधर दे दें जिधर हम चाहते हैं, ये तक कहा गया। वो तो भाई नए बनने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने मतलब नई बात मानी। तो ये वो इजलास था जिसके नतीजे में ये बाद में फिर एक दफ़ा फिर कहीं सुना है कि टेलीफोनिक रबते करके तो उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। अब वो इजलास हुआ कहाँ हुआ, हुआ नहीं हुआ, ये तो अब 9 सवालों के बाद कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कभी जजेस की मीटिंग्स भी होती हैं घरों में, सियासतदान हैं, सियासतदान भी अगर सरेआम मीटिंग्स ना करें तो उन पर शक किया जाता है। सियासतदान की उन मीटिंग्स पे लोग एतबार करते हैं जो वो करते हैं ऐलानियाँ, और अगर वो गैर ऐलानियाँ भी करें तो फिर भी उन पर शक करने के बावजूद उनको एक रियायत है, वो सियासतदान है, वो लोगों के नुमाइंदे, वो कहीं छुप छुपा के आपस में बात कर सकते हैं, जजेस तो नहीं कर सकते, कानून तो ये नहीं कहता। तो देखें, या तो ज़ाती ख्वाहिशात पे फैसले करने हैं कि मैं जज हूँ बस इतना ही काफ़ी है और सारे अदारों को मेरी बात माननी है, या फिर ये कि कानून पे फैसले करने हैं कि मुझे जज कानून ने बनाया है और मैंने जो फैसला करना है वो कानून के तहत करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये दोनों में से कोई एक फैसला होगा और जल्द होगा, आपको हम अपडेट करते रहेंगे।